Hello everyone, let's see in this video schedules to the roles in part 1 and the remaining schedules we will see in part 2. So in the Drug and Cosmetic Act 1940 and rules there under 1945, the last segment is the schedules to the rules. So why we are going to see separately the schedules to the rules in two parts? Already we have discussed the what is a specific schedule, what does it contain, means what is the meaning of that schedule. And we have discussed in the previous video the idea or trick or mnemonics to remember the schedule. But we don't know in schedule, for example, in schedule C exactly what does it contain. So for that purpose, I have included this video. We will have a look, we will have an overview that what does that specific schedule contain. So we will start with the schedule C, because schedule A is the list of forms and schedule B is the fees for test or analysis of the drug and cosmetic. So these are revising, that's why I'm not included. We will start with the schedule C. So biological and special products. So इसमें क्या क्या आता है, क्योंकि MCQs में क्या होता है कि schedules दिए जाते हैं और ये drug कौन से schedule में आता है ये पूछा जाता है, या फिर drugs दिए जाते हैं और इस drug का schedule कौन सा है तो ये पूछा जाता है. तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से शेड्यूल में कौन से ड्रग्स या कौन से डिसीजेस या फिर कौन सी कैटेगरी है. तो शेड्यूल सी में आता है सेरा, सॉल्यूशन ऑफ सीरम प्रोटीन, वैक्सीन्स और पैरेंटल इंजेक्शन, टॉक्सिन, एंटीजन, एंटीटॉक्सिन, नॉन आर्फेनिमिन, एनालॉग सब्सटेंस, एनालॉगस सब्सटेंसेज फॉर इन्फेक्टिव डिसीज, इंसुलिन शेड्यूल सी में आता है, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट शेड्यूल सी में आता है, और क्या आते हैं, एड्रीनलिन एंड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ एड्रीनलिन, ड्रग्स एंड प्रिपरेशन देयर ऑफ इन फॉर्म टू बी एडमिनिस्टर्ड पेरेंटली, पेनिसिलिन आता है, इनमें क्या क्या आता है देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, क्लोरटेट्रासाइक्लिन आता है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, वियोमाइसिन, न्योमाइसिन, बेसिट्रेसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सभी एंटीबायोटिक्स इनके पेरेंटल प्रिपरेशन शेड्यूल सी में आते हैं. कार्बोमाइसिन है, रिथ्रोमाइसिन है, वैनकोमाइसिन, पॉलीमिक्सिन भी है. Any other preparation which is meant for parenteral administration as such or after being made up with a solvent or medium or any other sterile product which requires to be stored in a refrigerator, does not require to be stored in a refrigerator. So, और क्या आता है, sterilized surgical ligature and sterilized surgical sutures. So, ये सभी products आते हैं schedule C में. तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एमसीक्यू प्रोडक्ट्स दिए गए कौन से शेड्यूल में है तो भी हमें पता होना चाहिए, और शेड्यूल दिया गया है इसमें कौन सा प्रोडक्ट आता है तब भी हमें पता होना चाहिए. तो बैक्टीरियोफेज आता है, ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन, स्टराइल डिस्पोजेबल डिवाइसेस फॉर सिंगल यूज ओनली, ये सभी प्रोडक्ट शेड्यूल सी में आते हैं. सीवन क्या है, अदर स्पेशल प्रोडक्ट है. तो इसमें क्या है, ड्रग्स बिलोंगिंग टू डिजिटलिस ग्रुप एंड प्रिपरेशंस कंटेनिंग ड्रग्स विच आर बिलोंगिंग टू डिजिटलिस ग्रुप नॉट इन फॉर्म ऑफ एडमिनिस्टर्ड पैरेंटली, मतलब कि पैरेंटली नहीं दिए जाते, इसका मतलब अदर देन पैरेंटल ग्रुप जो भी डिजिटलिस प्रिपरेशन दिए जाते हैं वो शेड्यूल सी वन में आते हैं. अर्गॉट प्रिपरेशंस कंटेनिंग अर्गॉट नॉट इन फॉर्म टू बी एडमिनिस्टर्ड पैरेंटली, ये ऐसा स्पेसिफिक क्यों दिया है, क्योंकि सी में पैरेंटल प्रिपरेशन आते हैं अर्गॉट के, लेकिन सीवन में अपार्ट फ्रॉम पैरेंटल प्रिपरेशन अर्गॉट प्रिपरेशन आते हैं, अपार्ट फ्रॉम पैरेंटल रूट. एड्रेनलिन एंड प्रिपरेशन कंटेनिंग एड्रेनलिन नॉट इन फॉर्म टू बी एडमिनिस्टर्ड पैरेंटली, क्योंकि एड्रेनलिन सी में आता है पैरेंटल रूट से दिया हुआ, और सीवन में आता है नॉट इन फॉर्म टू बी एडमिनिस्टर्ड पैरेंटली, मतलब कि इसके अलावा जो फॉर्म है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसका एड्रेनलिन है वो अदर स्पेशल में आता है, और पैरेंटल का अर्गॉट, पैरेंटल का एड्रेनलिन, पैरेंटल का डिजिटलिस वो सी में आता है. तो ये हमें जो इसमें डिफरेंस है वो याद रखना है. अगर वो ऑप्शन देते हैं नॉट एडमिनिस्टर्ड पैरेंटली तो हम शेड्यूल सिलेक्ट करेंगे सी वन. फिश लिवर ऑयल प्रिपरेशन कंटेनिंग फिश लिवर ऑयल ये आता है शेड्यूल सी वन में. विटामिन एंड प्रिपरेशन कंटेनिंग नॉट इन फॉर्म टू बी एडमिनिस्टर्ड पैरेंटली, मतलब कि जो भी पैरेंटली दिए गए हैं वो सी में आते हैं, जो अदर देन पैरेंटल है वो सी वन में आते हैं, ये हम एक टैगलाइन याद रख सकते हैं. लिवर एक्सट्रैक्ट एंड प्रिपरेशन कंटेनिंग लिवर एक्सट्रैक्ट नॉट टू बी इन द फॉर्म टू बी एडमिनिस्टर्ड पैरेंटली. हॉर्मोन ये सेम है, ये सभी सी में भी थे लेकिन सी वन में भी है, लेकिन फर्क क्या है, सी में पैरेंटली थे, सी वन में नॉट इन द फॉर्म ऑफ पैरेंटली.
ठीक है, तो पोलियो वैक्सीन क्या आएगी, C1 में आएगी, क्योंकि वैक्सीन नॉट इन्फॉर्म टू बी एडमिनिस्टर्ड पेरेंटली, तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन है जो कि C1 में आती है। और क्या है, फॉलोइंग ड्रग एंड प्रिपरेशन कंटेनिंग देम नॉट इन्फॉर्म टू बी एडमिनिस्टर्ड पेरेंटली, ये भी हमने सी में देखे है, लेकिन वो पेरेंटली एडमिनिस्टर किए गए थे। C1 में ये ड्रग है लेकिन ये पेरेंटली नहीं दिए जाएंगे, मतलब कि और रूट होगा, ज्यादातर ये ओरल रूट रहता है। ये सभी एंटीबायोटिक हमने सेड्यूल C1 में अभी अभी देखे है। एडिशन है ग्रैमिसिडिन, टायरोथिसिन, ये हमने उसमें नहीं देखे थे, ज्यादातर सेम है, थोड़ा एकाध डिफरेंस है। फ्रेमाइसिटिन हमने नहीं देखा था, ग्रीसियोपल्मिन, पल्मिन हमने नहीं देखा था, यूओमाइसिन हमने सी में देखा था। नोबायोसिन, स्टैटिन, ओलियंडोमाइसिन ये हमने नहीं देखा था, ये जो एंटीफंगल ड्रग्स है ये हमने सी में नहीं देखे थे। तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, हमें आगे के भी शेड्यूल्स देखने हैं, हमें पता होने चाहिए एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट इज शेड्यूल E1। तो सम आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी पॉइजन्स है, ये आयुर्वेदिक पॉइजन्स है। भांग हमें पता है, गुंज हमें पता है, इसका लीव्स होते हैं, जायफल मतलब कि नटमेग हमें पता है। एनिमल ओरिजिन के ड्रग्स देखिए, सर्प विषा मतलब मीन्स स्नेक पॉइजन। मिनरल ओरिजिन के कुछ पॉइजन्स देखिए, आर्सेनिक है। हम अगर ब्रैकेट का देखेंगे तो हमें कुछ तो समझ आता है, वरना ये सभी थोड़े संस्कृत ओरिएंटेड वर्ड्स है। हरताला, पानाड़ा, दैट इज मर्क्यूरी, रसा कर्पूरा, कॉपर सल्फेट है, सिंदूर, दैट इज द रेड ऑक्साइड ऑफ लीड, ये हमें पता है। ये क्या है, ये सभी आयुर्वेदिक वेजिटेबल, एनिमल और मिनरल ओरिजिन के पॉइजनस सब्सटेंसेस है। इवन ये रहे सिद्धा सिस्टम के पॉइजन्स, आप एक नजर बाद में भी डाल सकते हैं। अब यूनानी सिस्टम के देखेंगे हम। देखिए, हम जिसे पहचानते हैं, ये धतूरा सीड हमें पता है, हीरा मतलब डायमंड ये भी पॉइजनस है, हमें पता है, हम तो फिल्मों में देखते हैं इसका मिसयूज कैसे होता है। अब देखेंगे शेड्यूल F। तो पार्ट 1 है वैक्सीन, ये ओमिटेड है। पार्ट 2 टॉक्सिन एंटीजन। पार्ट 3 प्रोविजन एप्लीकेबल टू प्रोडक्शन ऑफ ऑल सेरा फ्रॉम लिविंग एनिमल। पार्ट 4 है फॉर सेरा, पर्टिकुलर सेरा एंटीटॉक्सिन। पार्ट 5 है आर्सेनिमिन, इट्स डेरिवेटिव। पार्ट 6 है इंसुलिन, ये भी ओमिटेड है। पार्ट 6-7 है पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट। 8 है एडिनलिन इंजेक्शन, ओमिटेड है क्योंकि ये कहीं और इंक्लूड किए गए हैं, तो यहाँ से ये ओमिटेड है। पार्ट 9 एनी अदर प्रिपरेशन इंक्लूडिंग वाटर फॉर इंजेक्शन इन द फॉर्म टू बी एडमिनिस्टर्ड पेरेंटली, ये भी ओमिटेड है क्योंकि ये सी में इंक्लूडेड है C1 में। पार्ट 8 सर्जिकल लिगेचर सूचर, ये भी ओमिटेड है। देखिए, एक नजर डालिए, ये डिजिटलिस ग्रुप ऑफ ड्रग एंड अर्गॉट, ये C1 में इंक्लूडेड है, तो यहाँ से इन्हें निकाला है। फिश लिवर ऑयल भी C1 में है, एडिनलिन भी C1 में है, तो ओमिटेड हम देख रहे हैं ना, क्योंकि ये समवेयर एल्स दे आर इंक्लूडेड, दैट्स वेयर हियर दे आर ओमिटेड। ओके, सो एफ में, तो एफ में बहुत सारे क्या है, ओमिटेड ही कैटेगरीज है। देखिए, एप्लीकेबल टू एंटीबायोटिक, तो इसके लिए तो शेड्यूल H1 आया है। ब्लड बैंक का जो है ये है, क्योंकि यही तो शेड्यूल F है। प्रोसेसिंग ऑफ ब्लड कंपोनेंट, प्लाज्मा फेरेसिस, जनरल शेड्यूल F1, इसमें भी वैक्सीन, सो प्रोविजन एप्लीकेबल टू प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन, एंटी सेरा आता है, एप्लीकेबल टू ऑल सेरा फ्रॉम लिविंग एनिमल, डायग्नोस्टिक एंटीजन में, एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चर एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायग्नोस्टिक एजेंट्स बैक्टीरियल ओरिजिन के। जनरल आता है शेड्यूल F1 में। हमने ये शेड्यूल्स तो डिटेल में देखे, लेकिन इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। F2 में क्या आता है, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। F3 अम्बिलिकल टेप के स्टैंडर्ड्स है, तो स्टरलाइज्ड अम्बिलिकल पॉलिस्टर टेप आता है, अम्बिलिकल कॉटन टेप आता है। FF हमें पता है ऑप्थेल्मिक के लिए स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। अब शेड्यूल G में हम ये ड्रग्स देखेंगे, क्या है शेड्यूल G, ड्रग्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो ये रही लिस्ट ड्रग्स की, कुछ अमीनो एसिड्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कि ये सभी चीजें, ये सभी ड्रग्स अंडर मेडिकल सुपरविजन हमें लेने हैं। तो हमें पता होने चाहिए एटलीस्ट कुछ ड्रग्स, तो हमें पता होने चाहिए जो कि शेड्यूल G में आते हैं, विच फॉल अंडर शेड्यूल G। दिस इज द एंटीबायोटिक
इथाक्राइनिक एसिड है, इथोसक्सिमाइड है, लिपिक्लामाइड है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक है, कुछ एंटी डायबिटिक्स भी है, बड़ी लिस्ट है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। एट लास्ट में शेड्यूल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की लिंक भी शेयर कर रही हूँ, ताकि पूरा एक्ट आप फोकस कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, उसमें जो भी चाहिए आप देख सकते हैं फॉर रेफरेंस। थायोडेपा है, टोलब्यूटामाइड है, दैट इज एंटी डायबिटिक, एंटी हिस्टामिनिक सब्सटेंसेस है, बड़ी लिस्ट है ये। क्लोरपेनिरामाइन हमें पता है, फिलहाल कोविड सिचुएशन में तो हम इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं, डायफेनहाइड्रामाइन का करते हैं कोल्ड कफ के लिए, आइसोथायोपेंडील है, मेक्लोजीन, पेनिरामाइन, प्रोमिथाजीन, तो ये सारे ड्रग्स हैं जो कि प्रिपरेशंस कंटेनिंग द अबोव सब्सटेंसेस एक्सक्लूडिंग दोज इंटेंडेड फॉर टॉपिकल एक्सटर्नल यूज आर आल्सो कवर्ड बाय दिस शेड्यूल। तो जो टॉपिकली अप्लाई किए जाते हैं वो छोड़ के सभी प्रिपरेशन जिनमें ये ड्रग्स है जो अभी हमने देखे, तो ये आते हैं शेड्यूल जी में, टॉपिकल एक्सक्लूडेड। अब शेड्यूल एच ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स विच आर टू बी रिक्वायर्ड एपिसोड बाय रिटेल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सो इसका नोटिफिकेशन आया 16 मार्च 2006 को डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर। इसमें 536 ड्रग्स इंक्लूडेड है। द ओरिजिनल लिस्ट वॉज कंटेनिंग 510 बट इट हैज बीन रिवाइज बाई DTAB। DTAB के तो काम ही है सुझाव देना और अमेंडमेंट करना, तो ये अभी लिस्ट है 536 की। तो ये मैंने लिंक आपसे शेयर की है क्योंकि ये बहुत बड़ी लिस्ट है, 536 ड्रग्स। इस लिंक में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ड्रग्स दिखाई देंगे, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके ये डिटेल में देख सकते हैं। अब है शेड्यूल H1, ये नया है। शेड्यूल H1 हैज बीन इंट्रोड्यूस थ्रू अ गैजेट नोटिफिकेशन, ये 30th August 2013 को इंट्रोड्यूस किया गया, टू चेक द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एंड सम अदर ड्रग्स इन द कंट्री। तो हमारे देश में एंटीबायोटिक का जो बेशुमार यूज इस्तेमाल किया होता है, फिजिशियन भी देते हैं, डॉक्टर देते तो है, लेकिन पेशेंट या फार्मासिस्ट भी विदाउट एनी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन और रूल्स रेगुलेशन इसका इस्तेमाल होता है, ओवर द काउंटर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन या कुछ पाबंदी लाने के लिए ये शेड्यूल H1 निकाला गया है। ज़्यादातर इसमें थर्ड फोर्थ जनरेशन के एंटीबायोटिक्स है, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है। द सप्लाई ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल H1 शैल बी रिकॉर्डेड इन सेपरेट रजिस्टर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। इसमें नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए किसने प्रिस्क्राइब किया है, पेशेंट का नाम, कौन सा ड्रग प्रिस्क्राइब किया है, कितनी क्वांटिटी दी है, सभी रिकॉर्ड्स 3 साल तक ये खुले रहने चाहिए, मतलब कि हमें मेंटेन करने हैं अगर हम ये फार्मासिस्ट है तो। इंस्पेक्शन पर्पज के लिए 3 साल के लिए हमें ये ड्रग्स का रिकॉर्ड रखना है। तो इसकी भी मैं लिंक आपको शेयर कर रही हूँ, इस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं कि शेड्यूल H1 में ऐसे कौन कौन से ड्रग्स है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो H1 में अलग से कैटेगराइज किए गए हैं, ये है शेड्यूल H1। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे जो शेड्यूल H के बाद जो शेड्यूल्स आते हैं अप टू शेड्यूल Y, हम देखेंगे इसमें क्या क्या आता है। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल सी नेक्स्ट वीडियो।